हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीप द व्लॉगर पे। आइए आज जानते हैं मायापुर धाम की कहानी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सफर। फ्रेंड्स, हमारा आज का डेस्टिनेशन है इस्कॉन मायापुर। मायापुर पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे उसके जलंगी नदी से संगम के बिंद पर बसा हुआ एक छोटा सा शहर है और इसका संगम स्थल देखने लायक है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि इसी बीच हम लोग रानाघाट स्टेशन तक पहुंच चुके हैं। आज के सफर में मेरा साथ निभाने आए हुए हैं इश्तियाक भाई, जो कि मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वे कैमरा के वजह से थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। मायापुर शहर नवद्वीप के करीब ही अवस्थित है। यह गौड़ीय और वैष्णव संप्रदाय के लिए एक पवित्र स्थल है। कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु का जन्म यहाँ हुआ था, जो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इन्हें श्री कृष्ण और श्री राधा जी का युगल अवतार माना जाता है। यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने हेतु आते हैं। यहाँ का मंदिर वैष्णव संप्रदाय का निर्मित है, जिसे मायापुर चंद्र उदय मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ मायापुर इस्कॉन मंदिर में रथ यात्रा और होली के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। मायापुर अपने शानदार मंदिरों के लिए पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। इन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इस्कॉन मंदिर प्रमुख है। मंदिरों के अलावा श्रद्धालु यहाँ पर आदित्य मठ, चैतन्य गौरी मठ की भी यात्रा कर सकते हैं। इस्कॉन का हेडक्वार्टर मायापुर में स्थित है और इसे हिंदू धर्म के भीतर एक पवित्र स्थल माना जाता है। मायापुर का इस्कॉन मंदिर सनातन धर्म का विश्व में सबसे बड़ा और उच्चतम मंदिर है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि इसी बीच हम लोग कृष्णनगर सिटी जंक्शन पर पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहां से ऑटो या टोटो या फिर बस से आप लोग मायापुर पहुंच सकते हैं, जो कि मायापुर के मेन गेट तक पहुंचाता है। या फिर आप लोग स्वरूप नगर हुलर घाट से बोट से नदी पार करके मायापुर पहुंच सकते हैं। तो हम लोग टोटो से डायरेक्ट जाएंगे मायापुर के मेन गेट तक, क्योंकि यहां पे बोट राइडिंग करने में इश्तियाक भाई को थोड़ा प्रॉब्लम है इसी वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि मायापुर अपने शुरुआती दौर में कैसा हुआ करता था। बात 1972 की है, जब गुरुदेव श्रीला प्रभुपादा के पास 3 एकड़ एरिया में इस्कॉन का हेडक्वार्टर एक मिट्टी के भजन कुटीर से शुरू किए थे। लेकिन आज के दौर में मायापुर इस्कॉन मंदिर के पास लगभग 600 एकड़ का जमीन है। ऐसा कहा जाता है कि मायापुर का नाम पहले मियापुर हुआ करता था और नदी के आसपास कुछ मुस्लिम व्यक्तियां मछली पकड़कर अपना गुजारा किया करते थे। मगर समय के साथ साथ मियापुर मायापुर में परिवर्तित हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर जलंगी नदी और भागीरथी नदी का संगम पॉइंट देख सकते हैं, जो कि देखने लायक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि इसी बीच हम लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि आज से 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई भगवान नित्यानंद जी मायापुर परिक्रमा कर एक भविष्यवाणी किए थे। उन्होंने कहा था कि मायापुर में एक दिन बहुत बड़ा विशाल आकार में एक मंदिर निर्माण होगा और उस मंदिर में गौरांग महाप्रभु और श्री कृष्ण जी की नित्य पूजा होगी। मेन गेट से एंट्री के बाद लेफ्ट हैंड साइड में भजन कुटीर आप लोग देख सकते हैं। इस भजन कुटीर का निर्माण 1972 में हुआ था। यह पहला इस्कॉन का मेन हेडक्वार्टर यही हुआ करता। इस भजन कुटीर के अंदर 24 घंटे कृष्ण भजन होता रहता है। गुरुदेव श्रीला प्रभुपादा, जिसे एसी भक्ति वेदांता के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मायापुर आए हुए हैं तो मेन गेट से एंटर होने के बाद राइट हैंड साइड पर देखिएगा कि कई सारे कूपन के काउंटर हैं। वहां से कूपन आप लोग पहले कलेक्ट कर ले, क्योंकि अगर कूपन खत्म हो जाएगा तो आप लोगों को प्रसाद नहीं दिया जाएगा। तो इसी हिसाब से पहले कूपन कलेक्ट कर ले। तो फ्रेंड्स, 500 साल पुराने भविष्यवाणी को सफल करने हेतु गुरुदेव श्रीला प्रभुपादा द्वारा मायापुर में इस्कॉन का हेडक्वार्टर स्थापित किया और विश्व के विभिन्न जगहों से डोनेशन कलेक्ट कर इस विशाल आकार के मंदिर की प्रक्रिया को शुरू किए और अंततः 2009 में 350 फीट का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर, इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसे 2022 तक बनकर तैयार होना था। मगर कोरोना महामारी के कारण मंदिर के निर्माण कार्य को बीच में रोकना पड़ा और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 से 25 तक यह मंदिर
बनकर तैयार हो जाएगा और इस मंदिर का निर्माण का बजट 800 करोड़ रुपए के आसपास की है और इस मंदिर का नाम वैदिक प्लैनेटोरियम रखा गया है। इस्कॉन मंदिर के कैंपस के अंदर श्रद्धालुओं को स्टे करने के लिए अच्छी सुविधा है, जैसे गदा भवन, ईशोदयन भवन, गीता भवन, चक्र भवन आदि और भी कई सारे स्टे करने के जगह है। यहाँ मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जिस वजह से मैं मंदिर के अंदर का कुछ भी आप लोगों को सही ढंग से दिखा नहीं पाया। चैतन्य भवन ये श्रद्धालुओं का होम स्टे है, यहाँ पर आप लोग स्टे कर सकते हैं। तो फोन नंबर नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस्कॉन मंदिर का अपना खुद का गौशाला है, जहाँ आप लोग लस्सी, पनीर, घी, सूखा प्रसाद आदि आप लोग खरीद सकते हैं और हम लोग भी उसी तरफ जा रहे हैं। चलिए साथ में बने रहें। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एसी भक्ति वेदांता के नाम पर एक बुक स्टॉल लगा हुआ है। फ्रेंड्स, हम लोग गौशाला में आ चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, यहां से आप लोग लस्सी, पनीर, घी, सूखा प्रसाद आदि खरीद सकते हैं। यहां का पनीर, घी आदि मंदिर के प्रसाद में यूज में लिया जाता है। Thank you.
फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग गाय के चारा के लिए पैसे भी डोनेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने गौशाला के काउंटर से लस्सी लिया था जो कि वाकई में बहुत ही अच्छा था, और यहाँ पर सूखा प्रसाद के तौर पे लड्डू, गजा वगैरह सब बेचा जाता है, तो आप लोग यहाँ पे घर के लिए ले जा सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये TOVP वैदिक प्लानिटोरियम का सेवा ऑफिस है, यहाँ से आप लोग टिकट काट के अंदर जा सकते हैं वैदिक प्लानिटोरियम के। लेकिन हम लोग जब गए थे तो किसी कारणवश ऑफिस बंद था और टिकट हम लोगों को मिला नहीं, तो इसी वजह से हम लोग अंदर दाखिल नहीं हो पाए। लेकिन मैंने एक व्यक्ति से सुना कि इसके अंदर दाखिल होने के बाद एक गाइड आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और जो कि मायापुर की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि आप स्क्रीन के ऊपर यह भी एक होम स्टे है, तो यहाँ पे भी आप लोग स्टे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप गदा भवन की तरफ चलते हैं क्योंकि 1 बजने को आ रहा है, तो जाके महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। तो चलिए साथ में बने रहे। यहाँ पर आपको प्रसाद में 100% शुद्ध और शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। मैंने गदा भवन के कूपन काउंटर से कूपन कलेक्ट किया था। अगर आप मायापुर घूमने आ रहे हैं तो मायापुर पहुंचकर पहले कूपन कलेक्ट कर ले। यहाँ पर कई तरह के कूपन मिलते हैं। गदा भवन का कूपन आपको 80 रुपये पर हेड के हिसाब से मिलेगा और यहाँ पर 80, 60, 50 के हिसाब से भी कूपन मिलता है, या फिर आप लोग गोविंदा रेस्टोरेंट से भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग गदा भवन के अंदर एंटर हो चुके हैं प्रसाद हॉल के अंदर। यहाँ पे बहुत ही बड़ा बैठ के खाने का व्यवस्था है। अप्रोक्स 600 आदमी यहाँ पे बैठ के एक साथ भोजन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ का टिकट 80 रुपये पर हेड के हिसाब से लिया जाता है, जो कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। दर्शन एवं पुष्पांजलि के माध्यम से गंगा में गंगा माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त करेंगे। Thank you.
यहाँ गदा भवन के अंदर में भी प्रसाद काउंटर है, यहाँ से आप लोग सूखा प्रसाद ले सकते हैं अपने घर के लिए, जहाँ से मैंने भी लिया था। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। और इसी के साथ मैं आज का सफर यहीं समाप्त करता हूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहें दीप द व्लॉगर। जय श्री कृष्णा।